हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज का ये वीडियो आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रिगार्डिंग है जिससे हम सभी अभी परेशान हैं, यानी कोविड-19। इस पैंडेमिक के पीछे क्या थ्योरी है, कौन इसको लेके आ रहा है, उसके बारे में हम कुछ जो हमने रिसर्च करी है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी ये वीडियो देख के कोई भी एक्शन लें। आप वही सब फॉलो करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कह रही है, वही गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। घर पे रहना है, सेफ रहना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के बाद ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर्स की आपको सलाह नहीं लेनी। आपको अगर कोई भी सिम्टम है तो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसे ही आपको करना है। ये जो भी हम रिसर्च के बारे में आज बात करेंगे, ये रिसर्च करी गई है USA के अंदर, और साथ ही साथ कुछ हमने ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जो कि कई साल पहले टॉक्स में भी आए हैं। और ये सारा कंक्लूजन हम आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं ताकि एक अवेयरनेस हो कि जो भी आप एक्शन लें आप आगे, वो एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ एक्शन हो। ऐसे ही आप किसी की बात मान के अपना कोई भी एक्शन नहीं लें। तो ये थ्योरी फ्रेंड्स स्टार्ट होती है कुछ बड़े नामों से, जैसे डॉक्टर फाउची, जो कि चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं USA के, डॉक्टर फाउची, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, तीसरा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा चाइनीज CDC यानी चाइना की जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो। इन चारों का क्या रिलेशन है इस थ्योरी से, उसको समझने से पहले हम एक ट्वीट देखते हैं डॉक्टर शिवा, जो कि PhD होल्डर हैं MIT यूनिवर्सिटी। इन्होंने ट्वीट करके हमें ये बताया कि दिस पैंडेमिक इज टू मैनिपुलेट वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पुश मैंडेटरी मेडिसिन। मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को मैनिपुलेट करके अपने कंट्रोल में करना, और साथ ही साथ कुछ ऐसी मेडिसिन आप तक पहुँचाना, मैंडेटरी आपके लिए करना, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे हमें समझ में आ रहा है, इसको हम समझने के लिए दो चीज़ के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, एक तो हेल्थ सिस्टम और दूसरा पॉलिटिक्स। हेल्थ और पॉलिटिक्स का ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन कुछ लोग यूज़ करके आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ये पैंडेमिक, कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है, जहाँ तक रिसर्च कहती है, ये कहती है कि बायो न्यूक्लियर वेपन है, यानी बायो वेपन है जिसको स्प्रेड किया गया है, कहीं से आया नहीं गया बल्कि इसको किसी लैब में क्रिएट किया गया और फिर सभी लोगों तक इसको पहुंचाया गया है बहुत ही इंटेलिजेंटली। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि एक तो ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक करता है। हम रोज़ सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम जिसका स्ट्रांग होगा उसकी डेथ नहीं होगी, इम्यूनिटी सिस्टम जिसका स्ट्रांग होगा उसको ये सिम्टम्स आएंगे भी नहीं, और अगर आएंगे तो वो जब तक रियलाइज़ करेगा उससे पहले वो कोरोना नेगेटिव वापस हो चुका होगा। दूसरी चीज़ इसमें ये देखने वाली है कि वायरस जो अटैक करता है वो इम्यूनिटी सिस्टम पे और लंग्स पे आपका अटैक करता है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो वायरस आपको अफेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसके बावजूद ये गाइडलाइंस अभी तक WHO भी नहीं दे रहा है, बिल गेट्स और मेलिंडा जो फाउंडेशन है वो भी नहीं दे रहा है, और साथ ही चाइना भी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा कि इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे हम एडवांस कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो यूज़ हो सकती है, और साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने के साथ साथ इस वायरस से हम बच सकते हैं। बल्कि सभी लोगों की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही जगह उनकी बात अटकी हुई है कि वैक्सीन, वैक्सीन एंड वैक्सीन। विटामिन सी और विटामिन डी इसका प्योर क्योर नहीं है पूरा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनिटी को, जैसे डॉक्टर शिवा ने इस इंटरव्यू में भी बताया है। आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन और इस लिंक को पूरे को एक बार अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कैसे विटामिन सी और विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपको कोरोना जैसे कई सारे वायरसेस से फाइट करने के अंदर मदद करता है। तो हमारे थ्योरी का पहले कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर फाउची, WHO, बिल गेट्स और CDC चाइना, इन चारों को वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो इनका सबसे बड़ा पर्पज़ है कि स्केयर पीपल टू गेट वैक्सीन डन, यानी वैक्सीन करवाने के लिए लोगों को डरा दिया जाए। अगर हम चलें 2 साल पीछे और बिल गेट्स की टेड टॉक पर अगर हम बात करें तो बिल गेट्स ने टेड टॉक के अंदर ये कहा था कि 2 से 3 साल के अंदर आने वाले टाइम में एक पैंडेमिक आएगा जो कि काफ़ी जल्दी स्प्रेड होगा, और साथ ही साथ उसकी कोई हमारे पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होगी कि उससे हम बच सकें। ये कहने के साथ साथ ही, यानी ये तो वार्निंग दे रहे हैं कि वो कैसे हम आने वाले पैंडेमिक से बचें। साथ ही उसी टॉक के अंदर उन्होंने दूसरी बात ये कही थी फ्रेंड्स कि हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन या CO2 कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमें कम से कम वर्ल्ड पॉपुलेशन को 10 से 15% कम करना होगा, यानी कि जो उन्होंने कार्बन एमिशन का फॉर्मूला दिया था पीपल, सर्विस एंड एनर्जी, उसमें से एक को हमें जीरो करना होगा और बाकी दोनों चीज़ों को कम करना होगा। तो ये एक थ्योरी है कि पॉपुलेशन कम करने के लिए बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन वैक्सीन को यूज़ करना चाह रही है।
अगर हम बात करें कि मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन जो है वो कैसे अफ्रीका में अपना कंट्रोल कर रहे हैं, कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, हल्का सा भी फ्लू होता है तो एक वैक्सीन उनको देते हैं जो कि दो तरीके से काम करती है। एक तो आपकी लाइफ जो है उसको कम कर देती है, उसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी सारे, और दूसरा जो उन्होंने ट्राई किया था वो ये था कि इंस्टेंट आपके लिए काम करती है, इंस्टेंट आपकी बॉडी के अंदर और नेगेटिव चीज़ें वो शो करना स्टार्ट करती है। लेकिन इसकी इसको इन्होंने परस्यू नहीं करने के बजाय इन्होंने दूसरा तरीका ये निकाला है कि वैक्सीन ऐसी दी जाए जिससे फर्टिलिटी रेट कम हो और बर्थ को कंट्रोल किया जा सके। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसके सब पीछे कई सारे रीजंस हैं। एक तो हम लास्ट में डॉक्टर शिवा को सुनेंगे कि वो कैसे बता रहे हैं कि इनका जो पर्पस है, मेन कोर पर्पस वो क्या है, वो इस वीडियो के एंड में आप लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम आपको इतना शेयर करना चाहते हैं कि जो मेन इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आपको डराया जाएगा और साथ ही साथ आपको वैक्सीन लेने के ऊपर काफ़ी फोर्स करा जाएगा। अभी अगर हम लास्ट 2 वीक्स पहले की बात करें तो 40,000 लोगों ने USA में पेटिशन फाइल करा है कि एक्सपोज बिल गेट्स एंड एक्सपोज डॉक्टर फाउची, इस तरीके से ये टाइटल चल रहा है। और साथ ही कई सारी एजेंसीज ने केस भी दर्ज कराए कैलिफोर्निया कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर बिल गेट्स, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, डॉक्टर फाउची, WHO और CDC चाइना के अगेंस्ट में ये केस फाइल हुआ है कि कैसे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है और कई सारी चीज़ें। वो सारा पूरा केस का डिटेल्स आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दे रखा है कैलिफोर्निया कोर्ट के ऊपर, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी है उसकी लॉ कॉलेज के अंदर वो आर्टिकल पब्लिश है, उसका लिंक हमने आपको नीचे दे रखा है, तो पूरी रिसर्च आप खुद कर सकते हैं। अब ये लोग सारा ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हम सुनेंगे डायरेक्ट शिवा से। डॉक्टर शिवा जो कि PhD होल्डर है MIT यूनिवर्सिटी USA के अंदर, और साथ ही आप ये भी जरूर देखें कि डॉक्टर शिवा ने जो पब्लिश किया है और जो लेटर भेजा है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, वो लेटर भी आप चेक करें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं वापस बता दूं, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए थी, आप इससे ये चीज़ नहीं निकालें कि हमें कौन सी दवाई लेनी कौन सी नहीं, जो आपके डॉक्टर्स बोले वैसा आपको करना है। और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस आती है उनको फॉलो करना है, घर पर रहना है, सेफ रहना है, साथ ही आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एवरीवन लिसनिंग टू दिस ब्रॉडकास्ट शुड बी थिंकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। वेल दिस इज मेडिकल। Does this take us back to the Gates Foundation, to the push for vaccines? Yeah, because they don't want people being healed. Everything has to be the V in vaccine, not the V in vitamins, right? They want the V in vaccines because the entire goal here is to mandate vaccines. And why is that important? Why is that fundamentally important? You know, I wrote a book that's up there called The Future of Email. You know, I created the first email systems I talked about when I was a kid. Many years later, I also created a technology to analyze email and route it to solve the issue of email management. You know, so many of the biggest corporations in the world, Gary, use my technology to watch what people are saying, understand them, and then market to them, right? But one of the things I learned was technologies like this can be used for observability and controllability. With companies like Amazon, with 200 million cameras China has out there, we want to use 5G to make this a surveillance state completely.